दोस्तों, क्या आप भी अपने मोबाइल फॉर्मेट करते टाइम डेटा लॉस होने से बहुत ही डरते हैं? और अगर आपने अपने मीडिया फाइल जैसे कि म्यूजिक, वीडियो, डॉक्यूमेंट और अदर फाइल्स को कॉपी कर भी लिया है अपने इंटरनल स्टोरेज या फिर स्पेशली मेमोरी कार्ड में, तो भी आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस और कॉल रजिस्टर्स जैसी बाकी बहुत सी पर्सनलाइज डेटा के डिलीट हो जाने से। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए एंड इन द एंड यू विल गेट टू नो द ट्रिक टू सेव योर इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस कन्वर्सेशन, कॉल रजिस्टर्स, बुकमार्क्स एंड मेनी मोर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर साइबर टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल, दिस इज विवेक, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वैसे तो सभी एंड्रॉयड फोन्स में बैकअप एंड रिसेट नाम के सेटिंग में बैकअप का ऑप्शन होता है, पर काफ़ी लोगों के लिए बैकअप इजी, कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल नहीं होता और वे लोकली डेटा को अपने स्टोरेज में इजीली सेव और मूव नहीं कर पाते अगर किसी को अपने फ़ोन को चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो। दैट मीन्स इफ बैकअपिंग द डेटा लाइक कॉल रजिस्टर्स, कॉन्टैक्ट एंड अदर पर्सनलाइज डेटा अदर देन द मीडिया फाइल इज नॉट कन्वीनियंट विद द डिफॉल्ट बैकअपिंग ऑप्शन ऑफ योर एंड्रॉयड फोन, देन यू कैन यूज दिस इजीएस्ट ट्रिक टू बैकअप एंड सेव योर डेटा लोकली। दोस्तों, इस ट्रिक से आप अपने कॉन्टैक्ट, कॉल रजिस्टर्स एंड फुल एसएमएस मतलब कि सारे मैसेजेस या किसी इंडिविजुअल के मैसेज के कन्वर्सेशन को बैकअप करके किसी को भी इजीली सेंड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं और कोई भी इसे सेम ट्रिक का इस्तेमाल करके रिस्टोर कर सकता है अपने फ़ोन में। तो दोस्तों, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है सुपर बैकअप, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है फ्री वर्जन में और इसके फुल वर्जन के लिए आपको शायद 75 रुपये पे करने होंगे। आप फ्री वर्जन का भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने प्रो वर्जन जो कि मेरे पास है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसे डाउनलोड करिए और इंस्टॉल करिए। मैं आपको इंस्टॉल करके यूज़ करना बता देता हूँ, मैंने जो कि पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। दोस्तों, मैंने पहले बता चुका है कि आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग में जाके अननोन सोर्सेज से इंस्टॉलेशन को अलाउ करना होगा, जो कि मैंने कर रखा है। इसे ओपन करता हूँ, ओके करना है, इसे ओके करना है, सबको अलाउ करते जाना है। बैक करके आप इसमें देख सकते हैं आप एक प्रीमियम मेंबर हैं, यू आर अ प्रीमियम मेंबर, ये एक प्रीमियम एप्लीकेशन है। यहाँ से आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करके आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन का बैकअप बना सकते हैं, जैसे मैं सीओसी का बैकअप बनाता हूँ। फिर आप यहाँ अचीव टैब में जाके आप देख सकते हैं आपने कितने एप्लीकेशन का बैकअप बना रखे हैं। यहाँ से आप ये सारे एप्लीकेशन आपके फाइल मैनेजर में एसएमएस कॉन्टैक्ट बैकअप नाम के फोल्डर में सेव होता है, जहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। वैसे शेयर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे टच लॉन्ग प्रेस करने पे आप इसको शेयर का ऑप्शन आता है, आप इसे शेयर कर सकते हैं कहीं भी। तो ये एप्स बैकअप था। एसएमएस बैकअप में जाने पर आपको अलाउ करना होगा, यहाँ पे बैकअप ऑल का ऑप्शन है, यहाँ से आप सारे एसएमएस को एक बार में बैकअप कर सकते हैं या फिर आप बैकअप कन्वर्सेशन में जाके किसी एक इंडिविजुअल के बैकअप को बैकअप कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी एक इंडिविजुअल के बैकअप कन्वर्सेशन को बैकअप बना के किसी को भी सेंड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, जिसे आप बाद में रिस्टोर, नीचे दिए गए रिस्टोर ऑप्शन से रिस्टोर भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता है बैकअप करने का, जहाँ से आप बैकअप ऑल करके सारे कॉन्टैक्ट्स को एक बार में बैकअप बना सकते हैं और नीचे दिए गए बैकअप कॉन्टैक्ट विद फ़ोन नंबर से आप सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल फ़ोन नंबर का बैकअप बना सकते हैं, या फिर जिसमें जिन कॉन्टैक्ट्स में सिर्फ फ़ोन नंबर से आप उसे बैकअप बना सकते हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन में काफ़ी ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर ईमेल से भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसके नंबर्स नहीं होते, तो ये उसे बैकअप नहीं बनाएगा। आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो, और बाकी नीचे रिस्टोर ऑप्शन का यूज़ करके आप बाकी वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर ऑप्शन में जाने पर आपको यहाँ चूज़ करना होगा जो आपने बैकअप बनाया है उस फाइल को, और ये रिस्टोर कर देगा। यहाँ से फिर है दोस्तों कॉल लॉग का ऑप्शन, यहाँ से आप बैकअप ऑल करने पे सारा बैकअप बन जाएगा। फिर यहाँ से रिस्टोर के ऑप्शन पे आप रिस्टोर कर सकते हैं। ये आपके कॉल रजिस्टर्स में मिस कॉल, डायल कॉल एंड रिसीव कॉल जो भी होता है सारे को बैकअप बना लेगा। यहाँ से कैलेंडर बैकअप का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप सारे कैलेंडर को बैकअप बना सकते हैं, फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ से कॉल रिकॉर्डर का ऑप्शन आता है, जिसे कॉल रिकॉर्ड करके आप रिस्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जिसे आप चूज़ कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं।
So guys, this was the easiest backupping method for Android, and I will upload easy backup method for Windows also. And if you like this video, press the like button, comment your views and share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel for more updates. Thank you.